शीट नंबर 43 है, इसमें ये नॉन मेडिकल का ही क्वेश्चन मैंने बताया था कैसे करना है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था टू थर्ड थर्ड देखो थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये आपके सामने एक रॉड है, ये रॉड एल लेंथ की रॉड है और ये आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो अगर ये एल है, ये 90 डिग्री है, तो ये एल बाय रूट टू एल बाय रूट टू होगा ताकि पाइथागोरस से ये एल आ जाए। तो वी वेलोसिटी से पूरे अरेंजमेंट को मूव करवा रहे हैं हम, स्ट्रेट रेल्स है, एल डिस्टेंस अपार्ट है। आपको इसकी निग्लिजिबल रेजिस्टेंस गिवन है, निग्लिजिबल रेजिस्टेंस गिवन है इन रेल्स की। आपको ये पता है कि ये जो तीन वायर्स हैं इनका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या आएगी लैम्डा एल, इसकी रेजिस्टेंस क्या आएगी लैम्डा इनटू एल बाय रूट टू, इसकी रेजिस्टेंस क्या आएगी लैम्डा इनटू एल बाय रूट टू। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में, और ये जो आंसर आएगा एल के साथ रेजिस्टेंस के साथ किसमें हो जाएगा ये पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी और इसकी रेजिस्टेंस को ऐड कर दें और इसके साथ पैरेलल में लगा दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई। और अगर मैं पूछूं मोशनल ईएमएफ क्या होगी, मोशनल ईएमएफ में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हो जो कि यहां पर क्या है एल, तो आंसर क्या आएगा बीएलवी, बीएलवी। तो इसमें करंट बताना है कितना है, तो अगर आपको इसमें सॉरी फोर्स बतानी है कितनी है, जब आप इसे मूव करवाएंगे तो इसमें करंट पैदा होगा, कितना होगा मोशनल ईएमएफ बीएलवी है, रेजिस्टेंस ये वाले पार्ट की क्या है लैम्डा इंटू एल बाय रूट टू है, और इन दोनों की मिला के कितनी है सीरीज में ट्वाइस करती, ये रेजिस्टेंस लैम्डा इंटू एल के साथ किस में होगी पैरेलल में, तो ये आर वन आर टू आर वन प्लस आर टू रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो करंट क्या होगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ है बीएलवी बाय रेजिस्टेंस, करंट आ गया। जब करंट पैदा होगा करंट कैरिंग रॉड इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, और वो फोर्स क्या होगी बीएल, क्योंकि आप रॉड को राइट मूव करवा रहे हो तो ये फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी लेफ्ट, क्योंकि रॉड जाना पसंद नहीं करेगी, आप उसका फ्लक्स चेंज कर रहे हो, तो रॉड अपने अंदर करंट पैदा कर रही है और एफ इज इक्वल टू बीएल उल्टी तरफ लगा रही है ताकि ये आप इसे राइट मूव ना करवा सको। तो वो पूछ रहा है कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जो आपने करंट निकाला वो यहां पर पुट करके फोर्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था ये वाला क्वेश्चन। कल इसी का चैप्टर अच्छे से पढ़ के आना, कल के टेस्ट के लिए एक घंटे का टेस्ट है, एक घंटा 15 मिनट से ऊपर का टेस्ट है। डेरिवेशन वाला पार्ट तो हमने अभी कवर कर लिया शॉर्ट टेस्ट में, आज भी है पिछली बार भी था, एप्लीकेशन वाला पार्ट ज़्यादा है। 50 से ऊपर क्वेश्चंस हैं जिसमें सिंगल टाइप भी हैं, शॉर्ट आंसर भी हैं, एसेंशियल रीजनिंग भी हैं, उस टाइप का पैटर्न ज़्यादा है। सब्जेक्टिव भी है, शॉर्ट आंसर भी हैं, लेकिन सब्जेक्टिव वाला पोर्शन 15% ही है, ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन आता है। सब्जेक्टिव वाला डेरिवेशन वाला पार्ट ये लोग जो क्लास के बाद टेस्ट लेते हैं उसी में कवर हो जाएगा आपका। ठीक, ऐसा नहीं है कि इसमें है नहीं है, मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्टिव करके नहीं आना, पर लेकिन डेरिवेशन डेरिवेशन करके आना, न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, न्यूमेरिकल बेसिक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के वैसे ही प्रैक्टिस करना, बहुत बड़े बड़े में करने जैसे हमने क्लास में किए थे एलआर सर्किट एलसीआर सर्किट रेजोनेंस बेसिक, और पूरी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करके आना, जो हमने क्लास में किया उसके बेस पे ही होगा जो भी होगा। ठीक, सैम्पल पेपर मैंने दिया था कल आ गया था, पर मैंने सुना है वो ऑलरेडी अपलोडेड भी था उस पर सीबीएसई की साइट पे पहले से ही। अब मालूम नहीं यार वो कितने सैम्पल पेपर देते हैं, पर ये तो सैम्पल 2023 और 24 का उन्होंने दिया ही है, पर पैटर्न तो बहुत ज़्यादा चीज मुझे लगा भी नहीं वैसे उसमें, एजर्शनल रीजनिंग है, फिलिंग ब्लैंक्स हैं, पैसेज है नहीं है, बाकी सब सब्जेक्टिव ही सब्जेक्टिव है। चलो देखते हैं, मे बी नवंबर तक शायद कोई नया पैटर्न आए। तो आप इसको देखें, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के अंदर एक रॉड है, एक रॉड है और रेजिस्टेंस आर है, ये रॉड ना इन रेल्स के ऊपर स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है। तो जब ये स्लाइड करती हुई नीचे आ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसे गिवन है बी वर्टिकली अपवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ऐसी है, ये बी वेक्टर है। तो मैं ये चाहता हूं कि रॉड नीचे आए
लेकिन आपको उसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज नोन एज कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आपको इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब इसकी एक्सीलरेशन रॉड की क्या लेनी है? जीरो। अब ये बताओ कि रॉड को कौन नीचे लेके आएगा? एम जी साइन थीटा। तो ये कॉम्पोनेंट वेट का इसको नीचे लेके आएगा। अब ये आपको ना अंदाजे से निकालना है कि अगर ये रॉड है, जैसे ये रॉड है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये रॉड है, ऐसे है, तो अगर ये रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है, तो राइट हैंड के हिसाब से मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर फोर्स लगे बी आई एल। वो फोर्स कैसी लगनी चाहिए? वो ऐसी लगनी चाहिए, मैं बताता हूँ क्यों। बी बी ऊपर की तरफ है, करंट मेरे हिसाब से मेरी तरफ होएगा, इसमें मतलब बोर्ड के अंदर जा रहा होगा, इस तरफ जा रहा होगा ऐसे, ताकि फोर्स कहाँ लगे? इस तरफ। ठीक, एक एक तरीका ये, मुझे देखो करंट गिवन तो है नहीं कि करंट कहाँ पर है, मुझे तो पता नहीं करंट कहाँ पर है। तो पहला तरीका मैंने सोचा कि फ्लेमिंग का, सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट हैंड रूल लगाना है मुझे, बी ऊपर है, करंट इस तरफ है, तो फोर्स कहाँ पर आएगी? इस तरफ। बी ऊपर है, करंट मैंने मेरी तरफ बोर्ड के अंदर लिया, तो फोर्स इस तरफ कितनी? बी आई एल। तो बी आई एल फोर्स इस तरफ है, बी आई एल साइन 90, और मैं चाहता हूँ कि इस तरफ आए। वो क्यों? क्योंकि अगर ये बी आई एल है, ये अगर एंगल थीटा है, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो बी आई एल का एक कॉम्पोनेंट ऊपर जाएगा। तो अगर ये और ये फोर्स बराबर हो जाए तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं ये चाहता हूँ कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी आए, तो मैं क्या करूँगा इसमें, मैं इसके अंदर एम जी साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करूंगा? बी आई एल कॉस थीटा। ठीक, और मुझे क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालने के लिए मैं करंट को क्या पुट करूंगा? करंट इज इक्वल टू बी एल वी बाय रेजिस्टेंस आर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं वेलोसिटी क्या पुट, मैं करंट को क्या पुट करूंगा? करंट यहां पर होना चाहिए बी एल वी मोशनल ई एम एफ बाय आर। ये गलत है, यहां पर कोई बताएगा करेक्ट क्या है? इसमें बी एल वी बाई आर नहीं है, बी एल वी में वी क्या होगा? वी, हाँ, वी कॉस थीटा। वो क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नीचे की है, रॉड बोर्ड के अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। अब बी एल वी का फॉर्मूला तो तब लगता है जब बी एल और वी सब किस पे होते हैं? 90 डिग्री पे। अब यहां पर वेलोसिटी तो इधर जा रही है, और आपको वेलोसिटी का क्या लेना पड़ेगा यहां पर? कॉम्पोनेंट। ये थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग से, ये थीटा, तो वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट क्या आएगा? वी cos थीटा। तो यहां पर v cos थीटा। ये समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर टेढ़ी है, v ऊपर है, वेलोसिटी ऐसे है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या लेना है जो v वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे हो। इसलिए जब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया तो करंट की जगह क्या पुट किया? blv नहीं, blv cos थीटा बाय r। यहां से आंसर आएगा डन। तो मेथड समझ में आया यहां तक? तो जब भी इंक्लाइंड प्लेन पे रॉड नीचे उतरेगी तो v वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा, तो blv मत पुट करना, बी एल वी कॉस थीटा के हिसाब से आंसर लेना है। हमारी जो रॉड्स हैं वो हॉरिजॉन्टली जाती हैं या वर्टिकली जाती हैं, वह एंगल पे नहीं जाती कभी भी। ये पहला क्वेश्चन है, इंक्लाइंड प्लेन पे रॉड को उतार रहे हैं, तो इसलिए वी कॉस थीटा का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ से नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट है। देखो क्या क्वेश्चन है? टू कंडक्टिंग रिंग्स ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो दो कंडक्टिंग रिंग्स हैं, एक का रेडियस बड़ा आर है और एक का रेडियस छोटा आर है। बड़े आर में आई करंट है और ये इनके बीच में डिस्टेंस एक्स है, तो आपको इसका कैपिटल एम निकालना है। अब कैपिटल एम के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? फाइ इज इक्वल टू एल एम आई।
फ्लक्स निकालना पड़ता है। तो एक काम करते हैं, पहले ये इसमें करंट है, ये इसके सेंटर पे क्या लगाएगा, बी। बी का फॉर्मूला हमने बैट सबट लॉ के अंदर कैलकुलेट किया हुआ है, रिंग के एक्सिस पे बी क्या होगा, ये बी लगाएगा। और फ्लक्स किसका लेना है, जिसमें करंट नहीं है। किसमें करंट नहीं है, छोटी रिंग में। तो म्यूचुअल इंडक्शन में बी लेते हैं जिसमें करंट है, और फ्लक्स किसका लेते हैं, जिसमें पड़ोस की क्वाइल जिसमें करंट नहीं है, उसका एरिया क्या है, पाई छोटा आर स्क्वायर। तो बी बड़े वाले क्वाइल का, एरिया छोटे क्वाइल का, लेकिन फ्लक्स होता क्या है, एम आई। दोनों को इक्वेट कर लिया, आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। तो कैपिटल एम चाहे छोटे क्वाइल से निकालो चाहे बड़े क्वाइल से निकालो, आंसर सेम आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, ठीक। तो कैपिटल एम की डेरिवेशन भी की थी, बिल्कुल ऐसी थी, मिलती जुलती। तो बी इज म्यू नॉट एन आई की जगह उसका रिंग का भी यूज कर लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर स्मॉल मैग्नेट एम को अगर आप रिंग के ऊपर ड्रॉप कर दें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से नीचे गिरेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि जब एक रिंग के पास ये मैग्नेट का पोल आएगा, मान लो नॉर्थ पोल आएगा, तो मैग्नेट का इस कॉइल का ऊपर वाला सरफेस भी नॉर्थ हो जाएगा, इसे रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा, तो मैग्नेट जब पास आ रहा है इसे रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से कम वैल्यू पर ये नीचे गिरेगा। तो जब ये नीचे आ रहा होगा लेस देन जी व्हेन इट इज अबव आर, लेकिन जैसे नीचे निकल गया, अब साउथ दूर जा रहा है तो ये ऑपोजिट पोल नॉर्थ डेवलप कर लेगा ताकि मैग्नेट दूर ना जाए, तो फिर से ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसे फिर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेस देन जी है। जब ये बिलो आर है तो अबव आर भी लेस देन जी है, बिलो आर भी लेस देन जी है। एट्थ में काफी बार किया हमने कि अगर एक सोलेनोइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये करंट चेंज कर सकता है। अगर मैंने इसमें करंट की वैल्यू को बढ़ाया तो इसके एक्सिस पे बी बढ़ जाएगा, बी बढ़ेगा, ये नहीं जाएगा, बी बढ़े ये दूर भागेगा। और अगर करंट कम करेंगे तो इसका बी कम होगा, ये पास आ जाएगा ताकि अपना बी को बढ़ा सके। तो दो आंसर्स हैं, करंट बढ़ाएंगे तो ये कॉइल इसके पास दूर जाएगा, रिपेल करेगा, और अगर करंट डिक्रीज करेंगे तो अट्रैक्शन हो जाएगी, पास आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एट्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट नाइन्थ, क्वेश्चन है, दो सर्कुलर क्वाइल्स हैं ए एंड बी। बस इसमें फर्क है कि ये क्लॉकवाइज करंट को बोल रहा है पॉजिटिव करंट है, और एंटी क्लॉकवाइज को बोल रहा है नेगेटिव करंट है। तो दोनों में करंट अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि पॉजिटिव करंट है। वो कह रहा है कि अब इसमें इफ ए कैरीज अ स्टेडी पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव कौन सा, क्लॉकवाइज करंट है, और ए को बी की तरफ मूव करवाएं, तो फिर बी क्वाइल में क्या होगा। तो जब आप इसको क्लॉकवाइज करंट को इसके पास लेके आएंगे, ये इसका पड़ोस का बी इंक्रीज करेगा और ये अपोज करेगा, अपोज करने के चक्कर में अपने करंट को ये नेगेटिव कर लेगा। तो ये आंसर हो गया। और अगर मान लो इसे इफ ए कैरीज, अगर हम बी को पास लेके आए तो भी ये नेगेटिव करेगा, क्योंकि अगर ये बी पास आएगा तो भी इसका फ्लक्स इंक्रीज होगा और ये अपने करंट को फिर नेगेटिव कर लेगा। तो ये आंसर भी है, अगर बी इज मूव टूवर्ड ए तो नेगेटिव करंट इज इंड्यूस्ड इन बी।
इफ बोथ क्वाइल्स कैरी पॉजिटिव करंट दे अट्रैक्ट ईच अदर. तो जब ये करंट हमने लास्ट टाइम भी किया था, सेम डायरेक्शन में जब करंट होता है क्वाइल्स में, हमेशा वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, ऑपोजिट हमेशा रिपेल करती हैं. तो तीनों आंसर्स इसके पॉसिबल है. इस क्वेश्चन का आंसर 10th. क्वेश्चन है, स्क्वायर लूप को हम पुल कर रहे हैं बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या होगा? देखो पहले एरिया बढ़ेगा फिर एरिया कम होगा, तो ईएमएफ बढ़ेगी फिर कम होगी एक. और मैक्सिमम लेंथ जो होगी इसकी वो क्या होगी, ये एल है, ये एल है तो रूट टू एल है. तो मोशनल ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बी वी इंटू रूट टू एल आंसर. तो बी एल वी में लेंथ की जगह एल रूट टू मैक्सिमम ईएमएफ है. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वैसे ई एन वेव्स का है, डल गया इसमें तो कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं ये रे, और ये क्लोज लूप है. क्लोज अगर इसका एरिया ए है और किसी भी इंस्टेंट पर इसके ऊपर चार्ज क्यू है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट होगा. तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा आपको बताना है कितना होगा जो इस एरिया में से पास करेगा. और ये एरिया प्लेट जो भी सर्कल का एरिया है वो इस प्लेट से आधा है. अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया ए बाई टू है. तो एक मिनट के लिए एक चीज बताओ, अगर ये मैं सर्कल बिल्कुल प्लेट जितना ए लेता, ए एरिया का सर्कल लेता, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता ही था, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाई डी टी, बात ही खत्म थी. और क्वेश्चन में चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, क्यू इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ डी क्यू बाई डी टी. तो डिस्प्लेसमेंट करंट को अगर मैं सॉल्व करता तो आंसर पता है क्या आता, डी क्यू बाई डी टी. क्योंकि डी क्यू बाई डी टी जो कंडक्शन करंट है वही मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट है. हमने ई एम वेव्स के डिस्कस किया था, बात खत्म. पर यहाँ पर क्योंकि एरिया हाफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तो यूनिफॉर्म है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. लेकिन जो फ्लक्स है वो आपके सर्कल का एरिया ए बाई टू इंटू ई होगा. जो हमने फ्लक्स कंसिडर करना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है उतना ही कंसिडर करना है एरिया हाफ के साथ. इस फ्लक्स को यहां पे पुट कर दिया, डिफरेंशिएट किया तो हाफ का फैक्टर आएगा. तो एक शॉर्टकट याद करते हैं, अगर इसका सर्कल का एरिया ए है तो डिस्प्लेसमेंट करंट डी क्यू बाई डी टी है. अगर एरिया इसका ए बाई टू है तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट हाफ डी क्यू बाई डी टी है. और अगर इसका एरिया ए बाई थ्री है तो वन बाई थ्री डी क्यू बाई डी टी है. तो सीधा जितना एरिया होगा उसी फैक्टर से उससे डिस्प्लेसमेंट करंट को डिवाइड कर देंगे, कम हो जाएगा. क्लियर है एरिया के हिसाब से. नेक्स्ट 43 के बाद शीट नंबर 44 का फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई गिवन है, आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालनी है 5 सेकेंड में. आसान क्वेश्चन है, फाई को डिफरेंशिएट करेंगे डी फाई बाई डी टी, टाइम की वैल्यू पुट करेंगे ईएमएफ की वैल्यू आएगी, बात ही खत्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है, स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस गिवन इज प्लेस वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन। तो चलो ये रहा मेरा ईस्ट वेस्ट प्लेन, इस प्लेन में रखा हुआ है स्क्वायर लूप। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब कॉयल तो पड़ा हुआ है ईस्ट वेस्ट में, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है? नॉर्थ, और ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट। अब अगर अगर नॉर्थ होता, ये ईस्ट वेस्ट है, ये प्लेन ईस्ट वेस्ट में और ये नॉर्थ है, तो एंगल होता 90। पर मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ ईस्ट है, तो एंगल इस प्लेन के साथ क्या बनेगा? 45। तो यहां पर एंगल 45 बनेगा, नॉर्थ ईस्ट वैसे भी 45 बता ही रहे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री। तो इस केस में वो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड जितना भी था वो बी जीरो कर दिया। इतने टाइम में आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, तो सबसे इंड्यूस करंट बताना है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इनिशियल फ्लक्स निकाल लिया बी ए कॉस 45। फाइनल फ्लक्स क्या हो गया? जीरो। बी जीरो हो गया तो फ्लक्स भी जीरो हो गया। चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम किया तो इंड्यूस ईएमएफ आ गई, इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करके करंट आ गया। ठीक है, था नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, स्क्वायर लूप गिवन है ए सी डी ई, एरिया गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, इज रोटेटेड इन मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर गिवन है थ्रू 180 डिग्री। तो साफ पता लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन कई बार किए हमने, बी बोर्ड के अंदर है, एरिया वेक्टर बोर्ड के अंदर, इनिशियल एंगल क्या है? जीरो बी और ए में। 180 घूम गया तो बी और ए में एंगल क्या हो गया? 180। इतनी देर में घूमा, टाइम पता है? ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट कर लो। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट चार्ज, कितना इसमें मूव करेगा। तो ये तीन चीजें निकालनी है। तो इसके अंदर इनिशियल फ्लक्स में बी एरिया कॉस्ट जीरो, फाइनल फ्लक्स में बी एरिया कॉस्ट 180, चेंज इन फ्लक्स निकालना है तो दोनों को माइनस। आंसर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई बाई डी टी आ गया। और करंट क्या होगा? ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, करंट भी आ गया। चार्ज क्या होगा? करंट इनटू टाइम, जो भी करंट निकाला और जो भी टाइम इसमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट पार्ट में, जो भी करंट निकालोगे उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? चार्ज भी आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कैसे करना है? ठीक, तो यहां से चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसी सेम क्वेश्चन रिपीट करना है टाइम को 0.01 की जगह 0.02 करके। ये आंसर स्टैंडर्ड है, जब भी मैग्नेट गिरेगा एक्सीलरेशन लेस देन जी होगी, जब नॉर्थ पोल पास आएगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के या इंडक्टर के, तो ये क्या करेगा? इसे रिपेल। क्यों नॉर्थ? यहां क्या डेवलप करेगा? नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल। आंसर रिपेल। सिक्स क्वेश्चन,
देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक सर्कुलर लूप है, ये रहा। करंट इस वायर में नीचे की तरफ कम हो रहा है, जब करंट आपको बताना है इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी जो इसमें पैदा होगी, इंड्यूस करंट। नीचे की तरफ करंट डिक्रीज हो रहा है तो थंब नीचे, यहां पर जो बी जनरेट होगा वो कैसे जनरेट होगा, इनसाइड, और अपने वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज। बी जब अंदर डिक्रीज होगा तो ये कॉइल क्या करेगा, अपना बी भी अंदर की तरफ कर लेगा और करंट कैसे घुमाएगा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आंसर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्योंकि बी अंदर की तरफ डिक्रीज है तो कॉइल भी बी अपना अंदर कर लेगा तो क्लॉकवाइज। ठीक, नेक्स्ट याद रखना एक चीज, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर पासेस इनसाइड अ ट्रायंगुलर कॉइल। तो ये करंट कैरिंग वायर है, करंट बोर्ड के अंदर है, इंक्रीज करे डिक्रीज करे कैसा भी करे, अगर मैं थंब बोर्ड के अंदर ले जाऊं तो ये क्या है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोर्ड के ऊपर है, एरिया वेक्टर ट्राइंगल का बोर्ड के अंदर या बाहर है तो बी में और एरिया में एंगल क्या बनेगा, 90, तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तुम जितना भी करंट चेंज कर लो फ्लक्स तो जीरो ही रहेगा, तो इंड्यूस करंट पैदा इसमें नहीं होगा, बात खत्म, आंसर जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोर्ड के ऊपर है, ट्रायंगल का एरिया वेक्टर बोर्ड के अंदर या बाहर ही होगा, तो एंगल तो बी और एरिया में 90 बनना है ना हमेशा, अगर 90 बनना है तो फ्लक्स तो हमेशा जीरो रहना है इसमें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा क्वेश्चन किया नहीं हमने वैसे, मतलब मिलता जुलता किया है, लास्ट टाइम ही किया है। एक ये वाली वायर जब मूव कर रही थी, बीएलबी बैटरी लगाई थी, इसमें दो वायर मूव कर रही है, ये नहीं किया, दो बैटरीज लगेंगे इसमें, बीएलबी बीएलबी की। देखो क्वेश्चन है, ये दो रॉड्स हैं, ये रॉड मूव करेगी लेफ्ट की तरफ, तो एक बैटरी अज्यूम करो यहाँ लगेगी, बैटरी का कौन सा टर्मिनल कैसे लगेगा ये भी देखने वाली बात है। तो इसमें राइट हैंड थंब रूल, बी बोर्ड के अंदर है, थंब कहाँ पर है, इस तरफ है, तो करंट का आएगा नीचे, नीचे का मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अगर ये लेफ्ट है नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये राइट है तो ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव एंड तो बैटरी कैसी लगेगी, बैटरी लगेगी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो बीएलबी बीएलबी की बैटरी दो लगेंगी। आपको क्वेश्चन में बताना है 5 ओम के अंदर कितना करंट गया, अब करंट ये बैटरी भी निकालेगी, करंट ये बैटरी भी निकालेगी, आपको क्वेश्चन में इसकी रेजिस्टेंस गिवन है 10, इसकी 15, इसकी 5, तो आपका क्वेश्चन ऐसा तैयार हो गया, कैपिटल आर हो गया, E1 E2 हो गया, इसकी रेजिस्टेंस R1 R2 होगी। क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, पहला करंट इलेक्ट्रिसिटी का बैटरीज इन पैरेलल वाला, याद है कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, सेल्स दो सेल की जगह एक सेल लगाना, वो आसान है, वहां से कर लो,
नहीं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करके इलेक्ट्रिसिटी में एक प्रिंसिपल है, हमने किया नहीं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या, ये देखो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहते हैं कि आप इमेजिन करो, पहले सिर्फ एक ही बैटरी लगी हुई है E2, यहां नहीं लगी हुई, और प्लस यहां बैटरी लगी है, यहां नहीं लगी, तो ये कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसके अंदर आपको सारी वैल्यूज गिवन है, आप इसमें करंट निकाल लें, BLV डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज पैरेलल एंड सीरीज करके टोटल करंट I आ गया। फिर I करंट यहां पे गया तो इसमें कितना गया, I1 करंट हो गया। तो उसी तरीके से जब ये बैटरी लेंगे तो यहां से करंट टोटल निकाल लेंगे I डैश में से। अगर इस बैटरी ने करंट नीचे भेजा होगा तो इस बैटरी ने करंट ऊपर भेजा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों बैटरी उल्टी कनेक्टेड है। तो आप टोटल करंट I डैश निकाल के रेशियो निकाल के I1 डैश निकाल लेना। अब कैपिटल R जो रेजिस्टेंस है उसमें I डैश करंट, I1 करंट नीचे आ रहा है, I1 डैश ऊपर जा रहा है, जब कॉम्बिनेशन मिलेगा तो नेट करंट क्या होगा, नेट करंट होगा इसमें I1 डैश माइनस I1 या I1 माइनस I1 डैश। तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रिंसिपल लेके पहले आपने ए फिगर लेनी है, इसमें टोटल करंट निकालना है, फिर I1 निकालना है, फिर बी फिगर लेनी है, I1 डैश निकालना है, I डैश निकालना है, I1 डैश निकालना है, फिर I1 डैश और I डैश I1 को क्या करना है, माइनस। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। आप बैटरीज कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट भी लगा के देख लेना, उससे भी शायद आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने काफी बार किया, मैंने कहा था इंपॉर्टेंट, एक शीट भी मैंने हैंड रिटन लिख के दी हुई है, आता है पेपर में। तो क्या सिखाया था कि करंट कैसे जा रहा है बी से, रादर मैंने तो आपको इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस भी लगा के दिखाई थी। तो इसके अंदर क्या, करंट डिक्रीज हो रहा है तो DI/DT नेगेटिव है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF क्या है, तो E का फॉर्मूला क्या है, माइनस एल DI/DT, DI/DT नेगेटिव है, L की वैल्यू पता है, इंड्यूस EMF तो आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने कहा था, इस क्वेश्चन को कैसे होगा देखो, करें आंसर निकाल लें। क्या किया, कैसे करना है, करंट की डायरेक्शन में चल पड़ो, VA माइनस I into R। क्या बताया था, इसमें यह देखना होता है कि माइनस L DI/DT में करंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो यह टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि DI/DT नेगेटिव है तो यह प्लस हो जाएगा, और प्लस से माइनस आ रहे हैं, माइनस E इज इक्वल टू क्या, VB। तो माइनस करके VA माइनस VB कैन बी कैलकुलेटेड, वैल्यूज पुट कर लेना, आपके पास आंसर आएगा, आंसर आपके पास 35 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, ये कर लो 11th। एक लॉन्ग सोलेनोइड है, इसमें इतने टर्न्स पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बने, पर मीटर कर लेना, करंट 1.5 एम्पियर है, तो बी क्या होता है, म्यूनोट NI। At the center of the solenoid is placed a coil of 100 turns of cross-section area given having axis parallel to the field produced by solenoid. तो वो कह रहा है जो axis है, solenoid मान लो हम solenoid के अंदर खड़े हैं, ये solenoid है, B इधर है, तो B इधर है, इसका axis, ये axis है, इसका axis solenoid के B की तरफ है,
ठीक, तो यानी कि एरिया वेक्टर एक्सिस क्या होता है इसका, एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर बी की तरफ है, तो बी और ए में एंगल क्या है, जीरो, जीरो हो गया। वो कह रहे अगर मैंने करंट को रिवर्स कर दिया, करंट रिवर्स करने से एरिया तो यही रहा, बी इधर हो गया, तो बी और एरिया में एंगल क्या हो गया 180, तो पहले जीरो था अब 180, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, तो बी निकाल लो, फ्लक्स निकाल लो, फ्लक्स की वैल्यू में क्या करना पड़ेगा आपको, फ्लक्स की वैल्यू में इसने शॉर्टकट लगाया, आप ऐसे करना, अब सीधा करना, पहले आप लेना इनिशियल फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ क्या, जीरो, फिर फाइनल फ्लक्स लेना, बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ क्या, 180, तो ये सॉल्व करके आएगा बी ए, ये सॉल्व करके आएगा माइनस बी ए, तो चेंज इन फ्लक्स डी फाई क्या आएगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे टू टाइम्स बी ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इसके इक्वल आएगा, ठीक है, तो ये चेंज इन फ्लक्स है, इसको टाइम से डिवाइड करके इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड, तो ट्वाइस हो जाएगा, क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट, फिफ्टींथ क्वेश्चन देखना, व्हाट इंडक्टेंस वुड बी नीडेड टू स्टोर 1 kW ऑफ एनर्जी इन अ क्वाइल कैरिंग अ 200 एम्पियर करंट, करंट पता है एनर्जी 1 kW है, तो 3.6 × 10⁶ जूल, तो एनर्जी क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर, आपको इसमें एनर्जी पता है, आपको आई पता है, एल कैन बी कैलकुलेटेड, तो यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर से आंसर आएगा, ठीक। 44 शीट के बाद शीट नंबर 45 शीट एक इजी शीट है, बेसिक शीट है, जिसमें वही क्वेश्चंस रिपीटिशन में है, जैसे हमने पुराने क्वेश्चंस किए बिल्कुल सेम टू सेम है, तो होमवर्क है आपकी 45, कोई नए क्वेश्चन नहीं है, मीन्स इसमें 46 के अंदर भी सेम है, कि वो ये सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हुए हैं पिछली शीट्स में, ये सारे क्वेश्चन हुए हुए हैं, अलग अलग बस तरीके से पूछे जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है इसमें, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला ग्राफिकल क्वेश्चन काफी आते हैं ईएमआई पे, ग्राफ गिव्स दी मैग्नीट्यूड बी चेंजिंग विद टाइम, तो बी पहले ध्यान से इंपॉर्टेंट है, बी पहले जीरो है, ए रीजन में फ्लैट है, जीरो है, फिर बढ़ गया, फिर फ्लैट हो गया, फिर नीचे गिर गया, आपको बताना है कि इंड्यूस ईएमएफ किस में ज़्यादा किस में कम है, इंड्यूस ईएमएफ किस पे डिपेंड करेगी, एरिया तो बॉडी का सेम है, डी बी बाई डी टी क्या है, स्लोप, अब इसकी स्लोप तो जीरो है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगी नहीं, जीरो है, इसकी भी जीरो है, तो रीजन नंबर ए और सी का आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम, तो ये आंसर भी हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, रीजन नंबर डी और ई में भी स्लोप सेम है, ये लाइन कंटिन्यू हो रही है, तो स्लोप सेम है, तो डी और ई का रीजन भी सेम है, तो हो गया आंसर, बस ठीक हो गया, डी और ई का सेम है, ए और सी का सबसे कम है, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर जीरो होगी ए और सी में, सबसे एंड में ही आने वाली है, बाकी सब इसके बड़े आने वाले हैं, आंसर ठीक है यहाँ तक। ये क्वेश्चन के अंदर
डायग्राम देखने में थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मुझे ये, आंसर इसका जीरो आना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं डायग्राम को ध्यान से देखूँ तो नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, मान लो ये दीवार नॉर्थ है ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्वाइल भी ऐसे ही है। अगर क्वाइल ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो एरिया वेक्टर और क्वाइल बी में एंगल क्या है 90, तो ईएमएफ क्या होनी चाहिए जीरो। ठीक है, तो फिगर सही नहीं है, एक्चुअल में ये नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे है। अब आंसर आएगा नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, तो अब तो एटलीस्ट फ्लक्स चेंज होगा, कम से कम जीरो तो नहीं है। तो करेक्शन है इसमें, नॉर्थ साउथ ऐसे है इसमें। तो जब ये एंटर करेगा फ्लक्स बढ़ेगा, डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव है, और जब ये बाहर निकलेगा डी फाई बाई डी टी नेगेटिव है। तो जब ये एंटर करेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और जब निकलेगा तो फ्लक्स कम होगा, तो करंट एक बार क्लॉकवाइज होगा एक बार एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो आंसर है। ये तो हो नहीं सकते ना, ये तो कॉन्स्टेंट तो हो नहीं सकता, डायरेक्शन चेंज करेगा ही करेगा, सेम डायरेक्शन होगा नहीं तो ऐसा बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर, और ठीक है 47 नंबर शीट में क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था, लूप एंटर करता है लूप बाहर निकलेगा, तो इसमें ईएमएफ कैसे पैदा होगी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ग्राफ ऐसा है, पिछले केस में ग्राफ ने ये मार्क करवाया था, एक्चुअल में वो क्वेश्चन ही पूरी तरह ठीक नहीं था, क्वेश्चन के अंदर आंसर ये होना चाहिए था। क्यों? इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है? माइनस डी फाई बाई डी टी। जब डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव है जब ये एंटर कर रहा है, तो पहले इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव होनी चाहिए, स्टार्ट नेगेटिव से होता है, और फिर जब वो बाहर निकलेगा तो इंड्यूस ईएमएफ डी फाई बाई डी टी नेगेटिव है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नेगेटिव है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी? पॉजिटिव। तो कायदे से उस क्वेश्चन में ग्राफ ये होना चाहिए था, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था तो मैंने भी मार्क कर लिया। लेकिन अदरवाइज अगर दो ऑप्शन है तो पहले मैं नेगेटिव से स्टार्ट करूंगा और फिर पॉजिटिव पे जाऊंगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने हैंड रिटन के अंदर भी करवाया था, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है ये? क्या गिवन है? आर वर्सेस एक्स, टाइम, आर वर्सेस टाइम। कैसे? एक सर्कल है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इस
कॉइल के साथ, तो एरिया और बीम एंगल जीरो है। रेडियस ऑफ द कॉइल चेंजेस एज शोन, तो रेडियस पहले कॉन्स्टेंट है फिर बढ़ा दिया फिर कॉन्स्टेंट है, तो रेडियस कम ज्यादा हो रहा है तो एरिया कम ज्यादा हो रहा है, बी में कोई चेंज नहीं है तो फ्लक्स कम ज्यादा हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ तो पैदा होगी। जब रेडियस कॉन्स्टेंट है तो एरिया कॉन्स्टेंट है, कोई इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगी, जीरो से वन तो जीरो है, कुछ नहीं है। फिर रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी होगी इसमें, फिर रेडियस क्या हो गया कॉन्स्टेंट, कुछ नहीं, ग्राफ ग्राफ बनना ही बंद हो जाएगा, बस आंसर ठीक है यहां तक। तो एरिया के हिसाब से चेंज होगा। नेक्स्ट तो क्या क्वेश्चन है, एक कॉइल और बार मैग्नेट सेम किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, अच्छा ये 1 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 0.5 सेकंड में और ये 2 मीटर इन 1 सेकंड में, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगी। देखो अगर ये इकट्ठे सेम वेलोसिटी से चल पड़े तो कोई ईएमएफ नहीं होगी क्योंकि रिलेटिव मोशन जीरो होगा, तो आप इसकी वेलोसिटी निकालें, रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, इसकी वेलोसिटी क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम सेम आ गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है जीरो, तो इंड्यूस ईएमएफ कॉइल में जनरेट नहीं होगा। पर अगर आप कहो कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी जीरो ना होती फिर आंसर क्या होता, मुझे नहीं मालूम क्योंकि हमने मैग्नेट के साथ कॉइल में कभी इंड्यूस ईएमएफ का क्वेश्चन किया ही नहीं, कम से कम डीवी बाय डीटी तो देना पड़ेगा आपको तभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, वेलोसिटी के बेस पे मैं इसमें करंट निकाल नहीं पाऊंगा, नहीं तो वो बाय चांस की बात, चांस क्या जानबूझ के आंसर ही उसने वेलोसिटी का रिलेटिव का जीरो ही निकाला है। ठीक नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हो गया ये ऐसा क्वेश्चन किया भी हमने, कैसे ये लूप है, ये करंट कैरिंग वायर है, मान लो करंट अंदर की तरफ है, तो करंट अगर अंदर है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोर्ड के ऊपर होंगी, सेम क्वेश्चन ट्रायंगल वाला, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के ऊपर है, एरिया वेक्टर बोर्ड के अंदर है तो एंगल 90 है तो फ्लक्स क्या होगा जीरो, फ्लक्स जीरो तो ईएमएफ भी जीरो। आज ये क्वेश्चन किया था ना ट्रायंगल वाला, एक ट्रायंगल है और ऐसे डायग्राम बना हुआ था, उसमें तो आंसर जीरो आया था क्योंकि अगर ये करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के ऊपर बनेगा ना, बी बोर्ड के ऊपर बनेगा और एरिया वेक्टर बोर्ड के अंदर है तो एंगल तो 90 हो गया ना फ्लक्स का, तो कोई इसमें इंड्यूस करंट पैदा नहीं होगा। नेक्स्ट है एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये कॉयल है, ये बाहर निकल रहा है फील्ड के, ये बाहर निकल रहा है तो कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव ये बताना है, तो फ्लेमिंग का रूल यहां मत लगाओ ये बाहर निकल चुका है, यहां लगाओ इस रॉड पे लगाओ, बी बोर्ड के अंदर है, थंब इधर है, करंट ऊपर है, तो इंड्यूस करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट जब इधर जाएगा तो ऐसे आएगा, तो अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, आंसर ठीक, तो इंड्यूस करंट से इसकी डायरेक्शन का पता लगेगा। नेक्स्ट है
देखो क्वेश्चन है, स्मॉल कॉइल इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट सो दैट इट्स एक्सिस कोइंसाइड विद द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन. सेम वही चीज़ है कि अगर ये एक्सिस है या ये एक्सिस है कॉइल का, एक्सिस का मतलब एरिया वेक्टर, और बी के साथ कोइंसाइड करते हो, तो बी और ए में एंगल क्या है, जीरो. फिर वो कहता है कि इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो 180 घुमा दिया इस कॉइल को, तो एरिया वेक्टर यहाँ है 180. घुमाने का मतलब एंगल क्या हो गया, 180. बी और ए में एंगल 180, तो इनिशियल फ्लक्स बी ए कॉस 0, फाइनल फ्लक्स बी ए कॉस 180. आपको ये बताना है रेजिस्टेंस आ रहा तो कितना चार्ज चला गया, या बी बताना है चार्ज इसमें गिवन है. तो चार्ज और फ्लक्स का और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमने किया ही है, तो ये अपने फॉर्मूला हमने मैग्नीट्यूड किया था रादर. तो आप सिंपल लगाओ, चार्ज क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस आर. चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, एन बी ए कॉस 180 फाइनल फ्लक्स है, एन बी ए कॉस 0 इनिशियल फ्लक्स है. सॉल्व करके अगर नेगेटिव, अगर माइनस नहीं भी लगाना मत लगाओ, मैग्नीट्यूड एंड में ले लेना, तो ये क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. तो बेसिकली फॉर्मूला यूज करना है, चार्ज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, और चेंज इन फ्लक्स बी ए कॉस 180 माइनस बी ए कॉस 0, वहां से आंसर आएगा. नेक्स्ट ये वाला, क्वेश्चन है सब मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज फ्रॉम कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एज अ रिजल्ट एन इंड्यूस करंट इज डेवलप्ड इन इट व्हिच वेरीज विद टाइम. करंट और टाइम का ग्राफ गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स क्या होगा. आपको रेजिस्टेंस पता है तो चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस क्या है, चार्ज. करंट और टाइम का एरिया आपको क्या देगा, चार्ज. जैसे एरिया निकाल लो करंट और टाइम का तो क्या आएगा, चार्ज. चार्ज को यहां पुट कर दो, आर आपको पता है, चेंज इन फ्लक्स कैन बी कैलकुलेटेड आंसर. ठीक, तो समझ में आ रहा है करंट और टाइम का ग्राफ कैसे हेल्प करेगा इसमें. नेक्स्ट, देखो इसमें बी वर्सेस टाइम का ग्राफ है. अब वो कह रहा है कि इसमें ये बताओ कि बी ने अपने करंट ने अपने, क्योंकि जब बी चेंज होगा तो कॉइल में करंट चेंज होगा, करंट पैदा होगा पहले, तो बी अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो करंट कितनी बार अपने डायरेक्शन चेंज करेगा. तो ये देखो, ये स्लोप देख रहे हो, 0 से 4 सेकेंड तक डी बी बाई डी टी नेगेटिव है, एक जैसी स्लोप है, फिर पॉजिटिव है. तो डी बी बाई डी टी नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो करंट क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज एक बार होगा, डायरेक्शन एक ही बार चेंज हो रही है डी बी बाई डी टी की, तो करंट एक ही बार चेंज होगा. पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ पे आंसर एक ही बार होगा, वंस.
क्वेश्चन का आंसर मैंने सही नहीं किया, आपको सही बताना है, ये गलत किया मैंने, ये मेरा क्वेश्चन सुरेश में चेक कर सकते हो मैंने क्या किया, अपनी तरफ से सही किया लेकिन इसमें कुछ और आंसर है। इस क्वेश्चन में चार लूप्स है, चार लूप्स एक एक करके एंटर करेंगी मैग्नेटिक फील्ड में और बाहर निकलेंगी। तो जब ये चार की चार लूप्स एक एक करके एंटर करेंगी और बाहर निकलेंगी, आपको ये बताना है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेंगी, आपको ये बताना है रैंक दी फोर लूप्स अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ग्रेटेस्ट फर्स्ट, सबसे ज़्यादा ईएमएफ किस में पैदा होगी, सी एंड डी, ऐसा क्यों? हाँ सही, मैंने इसको ऐसे किया, मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया, तो एरिया कैलकुलेट करके ए इंटू डी वी बाई डी टी का, मैंने बी तो कांस्टेंट है, एरिया जिसका बड़ा होगा आंसर ज़्यादा होगा, ठीक है मैंने गलत नहीं किया, पर एक्चुअली में उसने सबसे ग्रेटेस्ट पूछा, मतलब इंस्टेंटेनियस ई एम एफ सबसे ज़्यादा किसकी ज़्यादा होगी, तो इसमें लगना चाहिए, ऐसा नहीं लगाना, इसमें लगना चाहिए वर्टिकल लेंथ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जब लेंथ जा रही है वो तो ईएमएफ जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेंथ और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, तो इसमें वर्टिकल लेंथ नहीं थी, मोशनल ईएमएफ याद है, तो इसके अंदर मोशनल ईएमएफ लगेगा बी 12V, इसमें लगेगा बी 12V, इसमें लगेगा बी LV, इसमें लगेगा बी LV, तो इन दोनों में बराबर वैल्यू है, इन दोनों में बराबर वैल्यू है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अब BLV ये तो पता लग गया कि C और D की वैल्यू बराबर है, A और B की वैल्यू बराबर है, अब ये कैसे पता लगा कि इनमें EMF की वैल्यू ज़्यादा होगी और इनमें कम होगी, BLV की वजह से, यही फॉर्मूला देख रहे हो, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि कई लोग बोल रहे थे टाइम काफ़ी देर के लिए पास होगा, इसकी लंबाई बड़ी है, उससे फ़र्क नहीं है, आपको इंस्टेंटेनियस EMF देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्योंकि फॉर्मूला इन दोनों के अंदर क्या यूज़ हो रहा है, बी इंटू ट्वेल्व इंटू वी, और इन दोनों में फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, बी इंटू एल इंटू वी, आपको वर्टिकल लेंथ यानी और कुछ नहीं देखना, तो ऑप्शन नंबर बी मार्क कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट ये वाला, मेरे को तो लगता है सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जब ये एंटर करेगा और बाहर निकलेगा तो पहले नेगेटिव फिर सॉल्व तब करता जब कोई और ग्राफिक कंपटीशन में होता है ही नहीं, तो डन हो गया बस, ठीक।
देखो इसमें ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर में मोशनल ईएमएफ लगना है, आपको ये निकालना है ए और डी के बीच में मोशनल ईएमएफ क्या है, तो बीएलवी लगेगा, लेकिन लेंथ क्या लेंगे, रूट 12, बस बीएलवी में रूट 12। और इसके अंदर एक लूप बाहर निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, पावर का वेलोसिटी के साथ रिलेशन बताना है। हमने ये फॉर्मूला किया हुआ है पावर का, वी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर, तो ग्राफ जो भी पैराबोलिक होगा वो आंसर होगा। ठीक, तो पैराबोला वाला माफ करना, बी ऑप्शन। ठीक,